दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया में हजारों जीव होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा मनुष्यों या फिर जीवों को जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनको स्नैक बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अगर बात करें तो दुनिया में हर साल लगभग कम से कम 50 लाख लोगों को भी सांप काटते हैं, जिनमें से 1 से 1.5 लाख लोग अपना दम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे ये जो सांप होते हैं इनके अंदर कौन सा ऐसा टॉक्सिन पाया जाता है, विष पाया जाता है, जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी जीव को उपचार या फिर दवाई मेडिसिन ना मिलने की वजह से कम से कम 10-5 मिनट या आधे घंटे के अंदर अपना दम तोड़ देता है। और फर्डेलांस दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक सांप को साउथ अफ्रीकी ग्रीन टी स्नैक से भी जाना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम डिस्कोलिस टाइपस है और इस कहा जाता है कि यार इस सांप का अगर बच्चा भी किसी इंसान को काट ले तो 24 घंटे के अंदर इंसान के आंख नाक कान फेफड़ा दिल और ब्रेन हर जगह से खून आना शुरू हो जाता है। ये जो सांप है सबसे ज्यादा अफ्रीका के स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे में देखने को मिल सकता है। इसके जो सर्पदंत यानी जो दांत होते हैं वो और सांपों की अपेक्षा से ज्यादा अंदर होते हैं और इसका जो जहर होता है वो हेमोटॉक्सिक होता है। और ये जो सांप अगर किसी शरीर के अंदर काट लेता है, मतलब किसी इंसान को काट ले, तो शरीर के अंदर से हर जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि शरीर के सभी क्षेत्रों से खून आने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। नंबर 2 ब्लैक मांबा अफ्रीका का सबसे जानलेवा सांप। वैज्ञानिक भाषा में इसे डेंड्रोऑप्सिस पॉलीलेप्सिस के नाम से जाना जाता है। इसका 2 बूंद किसी भी इंसान को चैन की नींद सुनाने के लिए काफ़ी होता है। कहते हैं कि अगर जब किसी इंसान को काट लेता है उसके शरीर का जो नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों को निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान लकवाग्रस्त हो जाता है। कहते हैं इसका जो जहर होता है वो कार्डियोटॉक्सिक होता है और उसके बाद किसी भी इंसान को दिल का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि 20 मिनट के अंदर इलाज मिल भी जाए तो भी इसका जो जहर होता है वो खत्म नहीं होता और कुछ दिन के बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। अगर ब्लैक मांबा की लंबाई की बात करें तो ये 8 फीट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है और अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो कि कहा जाता है कि ये जीव रहने वाले जितने भी होते हैं उनमें सबसे राजा होता है। इससे एक बराबरी में कोई भी नहीं दौड़ सकता। नंबर 1 सांपों का जो राजा होता है उसे किंग कोबरा कहा जाता है। दुनिया का सबसे जहरीला सांपों में से एक होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 18 फीट तक हो सकती है। अगर ये इंसानों को 300 फीट दूर से देख सकता है, खतरा महसूस होने पर ये अपना फन इसका जो हुड होता है उसको फैला लेता है और कहा जाता है कि ये जो अकेला सांप होता है जो अपने शरीर का तिहाई हिस्सा जमीन से ऊपर उठा सकता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ओपियोफेगस हाना है। ये जो सांप किसी को अगर जब काटता है तो 7 मिलीलीटर जहर किसी के शरीर में डालता है और इसके बाद अगर ये किसी भी इंसान या किसी भी जानवर को 2 बार काट ले तो उसका मरना निश्चित हो जाता है। ये सांप ऐसा है अगर किसी हाथी को भी काट ले तो 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो सकती है। तो इंसान की तो कोई बात ही नहीं, इंसान को अगर काट लेता तो 1-2 मिनट के अंदर उसकी खेल खत्म। तो ये थे दुनिया के सबसे जहरीले सांप, आपको कौन से पता था और यही जो सांप है जो आपके घर के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक करो और उसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।